वो पढ़ाई में फिसड्डी हैं लेकिन नकल में उनका कोई जोड़ नहीं। अब हम आपको दिखाते हैं नकल के ऐसे उस्तादों की हैरान कर देने वाली तस्वीर। गिरगिट की तरह दीवार पर चढ़ने की कला और गजब का शारीरिक संतुलन, इन लोगों ने अपनी इस प्रतिभा का इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए किया होता तो मिसाल बन जाते, लेकिन यहाँ तो ये सारी तिकड़म परीक्षा में नकल करवाने के लिए की जा रही है। तस्वीरें यूपी के मथुरा की हैं, जहाँ नकल पर नकेल कसने की प्रशासन की सारी योजना धरी की धरी रह गई है। देखिए नकल के उस्ताद कैसे कपड़े की रस्सियों के सहारे ऊंची दीवार पर गिरगिट की तरह चढ़ गए हैं और फिर खिड़कियों से लटके हैं। सारी कवायद अंदर परीक्षा दे रहे छात्रों को प्रश्नों के उत्तर भेजने के लिए की जा रही है। इन्हीं खिड़कियों के रास्ते उन्हें पर्चे भेजे जा रहे हैं। बाहर का नजारा तो आपने देख लिया, अब जरा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर की तस्वीरें भी देख लीजिए। देखिए कैसे परीक्षा भवन के अंदर छात्र मिलकर नकल कर रहे हैं। इन तस्वीरों से साफ है कि यूपी के मथुरा में नकल की गंगा खुलेआम बह रही है, लेकिन इसके बाद भी जिले के आला अधिकारी इस बात को मानने के लिए राजी ही नहीं है कि छात्र परीक्षा में पास होने के लिए एग्जामिनेशन हॉल के अंदर चीटिंग कर रहे हैं। अगर हमारी वहाँ पर पुलिस फोर्स पर्याप्त हो तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो इस तरीके से उसमें सफल हो जाए। ये केवल चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पूरे जिले में इस तरीके से मतलब टाइट रखा गया है कि कोई भी अंदर नकल नहीं करा सकता। ये जहाँ तक मेरा पूरा विश्वास है कि अंदर कोई नकल नहीं हो सकती है। यूपी में सत्ता संभालने के बाद CM योगी आदित्यनाथ ने भी परीक्षा में नकल रोकने के लिए प्रशासन को मुस्तैद रहने के लिए कहा है, लेकिन लगता है कि नकल के उस्तादों के सामने मथुरा प्रशासन के सारे उपाय धरे के धरे रह गए हैं। सनसनी के लिए मथुरा से अनिल सारस्वत की रिपोर्ट। सनसनी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। ये है ABP News, आपको रखे आगे।